नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष भरमौरिया हूं और पहुंचे हैं हम आज टांडा मेडिकल कॉलेज। टांडा मेडिकल कॉलेज में भी दो जगह कोविड मरीज़ों को रखा जा रहा है, लेकिन आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो कोविड मरीज़ों को लेकर नहीं है। कोविड मरीज़ों के साथ जो तीमारदार आते हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सारा ध्यान और सारी खबरें इस वक्त कोरोना पेशेंट के लिए दिखाई जा रही हैं। लेकिन उनके साथ जो तीमारदार आते हैं, जो उनकी खिदमत के लिए आते हैं, हालांकि काम और ट्रीटमेंट का काम तो डॉक्टर करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तीमारदार हैं जो बाहर डटे रहते हैं 10-10, 12-12 दिन तक अपने पेशेंट के लिए, ताकि वो ठीक हो और हम उन्हें लेकर घर जाएँ। ऐसे में हम कुछ लोगों से भी यहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज में बात करेंगे जो उनके तीमारदार यहाँ भर्ती हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं, हम आपको जगह बता देते हैं, हम टांडा मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हाल ही में जो सेंटर गवर्नमेंट की ओर से सौगात मिली थी, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो बनाया गया था, यहाँ पर कोरोना मरीज़ों का इलाज चल रहा है। ये मेकशिफ्ट के बाहर इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। एक सज्जन बैठे हैं हमारे यहाँ, अभी आपको दिखाते हैं। सर, अपना नाम बताइए। गगन सिंह जी। गगन सिंह, हम द्रमण छापुर से जी। हाँ जी, क्या आपके क्या है यहाँ पर कोरोना पेशेंट एडमिट हैं कोई? 8-9 दिन हो गए सर। हाँ जी, 9 दिन से यहीं पर। हाँ जी, तो रहने का और सोने का क्या और खाने का कैसे करते हैं? खाने का सर ऊपर से लेके आते हैं और गाड़ी में सोते हैं सर। नहीं, खाने कैंटीन से लेके आते हैं। हाँ जी, हॉस्पिटल की कैंटीन। हाँ जी, हाँ जी, और मरीजों के लिए अंदर से देते हैं। मरीज के लिए अंदर से। हाँ जी। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना आप जैसे तीमारदारों को करना पड़ रहा है? दिक्कतें तो काफ़ी है सर, ना तो इधर कोई पानी की सुविधा है, और जैसे लेडीज है इनको सुविधा है, जैसे बाथरूम में जाना है ये करना, तो सब ऊपर जाना पड़ता है, और यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। इनके पेशेंट एक भर्ती हैं अंदर, उन ये बता रहे थे कि किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती है। हमारे साथ तो कुछ महिलाएँ भी हैं, उनके भी तीमारदार हैं। मैम, नाम क्या है? अनुबाला। आपके भी यहाँ मरीज है? हाँ, यहाँ कितने दिन से आप यहाँ पर? हमें 4 दिन हो गए आज। 4 दिन हो गए। तो आप कहाँ रहने और खाने का करते हैं? इधर ही पीछे रह रहे हैं, उधर वो जो बना है छत दिया बना उधर रह रहे हैं हम, और बाथरूम की समस्या है, खाना खाने की समस्या है, दूर से खाना पानी नहीं है, दूर से खाना लेके आ रहे हैं खाना खाने के लिए भी। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम रानीताल से। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि रहने के लिए लोग, जिन कुछ लोगों के पास गाड़ियां हैं तो वो अपनी गाड़ी में सो जाते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं हैं सुविधाएं तो वो यहां पर ही रहते हैं। पीछे और भी हैं हमारे साथ एक भाई साहब। सर, क्या नाम है आपका? मैं सर बॉबी ठाकुर। कहाँ से हैं? मैं ब्रोट वैली से। ब्रोट, मंडी वाला ब्रोट? मंडी वाला ब्रोट। हाँ जी। आपके मरीज को यहाँ भेजा गया है? हाँ जी। कोरोना मरीज है, कितने दिन से एडमिट? उस सांस की प्रॉब्लम है, तो पहले तो नेगेटिव थे ना, 2 बार नेगेटिव आए, फिर उसके बाद अभी जो है पॉजिटिव घोषित कर दिया, तो अभी हमारे को 6-7 दिन हो गए यहाँ पे। 6-7 दिन। तो आप रहने का कहाँ कर रहे हैं? रहने का सर ऐसे कर रहे हैं, बाहर सो रहे हैं। और अभी पीछे जैसे बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो तब कहाँ सो रहे थे आप? तो तब भी तो ये ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, और क्या। पीपल के पेड़? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ, क्योंकि इलाज तो खैर डॉक्टर ही करेंगे, इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे ना, लेकिन चिंता हो रही है ना हमें भी, मतलब खाना तो जा रहा है अंदर, लेकिन अपने हाथ से खिलाना था तो मुश्किल हो रही है, तो फिर कपड़े कुपड़े बदलने के लिए भी मुश्किल हो रही है। हाँ जी, कई बार हो जाता है, मतलब हो जाता है, टॉयलेट वगैरह हो जाती है, तो अंदर का क्या पता है। हाँ जी, हाँ जी। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जैसा हमने अभी आपको कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बताया, अंदर मरीजों का इलाज चल रहा है, जो उनके तीमारदार आ रहे हैं वो तीमारदार यहाँ पर अपनी चटाई बिछाते हैं और यहीं पर सो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चटाइयाँ लगी है, जो गैप है वो रात के समय वो भी भर जाएगा और यहाँ पर ही लोग रहते हैं। पिछले दिनों बारिश भी हिमाचल में हो रही थी और मौसम रात के समय ठंडा भी हो जाता है। जो तीमारदार हैं हमारे साथ वो बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से हैं? सर, मैं खैरा से हूँ। आपके कोविड मरीज़ यहाँ पर भर्ती? हाँ जी। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? 4 दिन से इधर हैं। 4 दिन। हाँ जी। तो आप रहने का और सोने का कहाँ करते हैं? इधर ही करते हैं सर, इधर ही है। तो बारिश हुई रात को भी, बारिश लग गई तो थोड़ा एडजस्ट करके कहीं इधर कहीं उधर, बीच बीच का जो पोर्सन है उसी में सोए, बाकी कोई लेटरिन वगैरह जाना हो तो ऊपर 2 किलोमीटर जाओ, बाकी पानी नहाने धोने को अच्छी सुविधा है नहीं कहीं, और
पानी का, पहले तो पानी का भी कुछ नहीं था, ये नलका लगा, इसी से बात हुत जो भी करना होता है इसी से करते हैं। बाकी जो भी बोतल वगैरह लेके आनी है पानी की, वो ऊपर जाओ, सब कुछ ऊपर से मिलता है। पीने का पानी भी बाहर से खरीदते हैं? हाँ जी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ये हाथ धोने का है, बाकी कुछ नहीं। नहाने धोना हो वो भी ऊपर ही जाना पड़ता है, जो भी करना वो ऊपर से लेके आओ, जो भी सामान लेना है। कुछ चाहेंगे आप प्रशासन से और शासन से, सरकार? हाँ सर, इधर रहने का तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना मरीज का, जो इधर ही रहेंगे हम तो इधर ही रहना पड़ेगा। कहीं भी कभी भी आवाज लगा देते हैं कि इतने नंबर बेड का पेशेंट का कौन है, इधर आओ हमारे पास, तो जाना पड़ता है सर। तो कभी कभी ऊपर जाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। हाँ जी, और ट्रीटमेंट से संबंधित कोई समस्या है आपके मरीज को, परेशानी वो बार बार उठा रहे हैं? नहीं, वो ट्रीटमेंट तो जो चल रहा है वैसे ही है, बोले ऐसे चलेगा, इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये हमने आपको एक खबर दिखाने की कोशिश की कि एक खबर ये है कि कोरोना मरीज़ हम हिमाचल में लगातार दम तोड़ रहे हैं। कल बीते रोज़ भी हिमाचल में 67 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा था, रोज़ संख्या बढ़ जा रही है। तीमारदार जो कोविड पेशेंट के साथ आते हैं वो बाहर रहते हैं, किस किन हालातों में रहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर, यहीं पर ग्लव्स भी आपको नीचे बाहर ही मिल जाएगा, यहाँ पर है, बड़ी सारी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अब सफाई कर्मचारी, क्योंकि व्यवस्था कोई नहीं होगी तो जो एक साथ क्राउड आएगा उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, क्योंकि सफाई व्यवस्था के लिए हम देखते हैं कि हिमाचल में पहले ही किस तरह से चीज़ें चल रही है। हिमाचल अभी के लिए, मैं आशीष भरमौरिया टांडा से रिपोर्ट कर रहा था, और मेरे साथ कैमरा के पीछे मेरे साथी हैं विशाल, धन्यवाद। या तो रख साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।